ये फ्रेम है और माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है। एक पे लिखा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह और अल्लाह अकबर। तो ये इस तरह का फ्रेम है पूरा और इस पर ट्री बना हुआ है, बहुत प्यारा क्यूट सा, बहुत अच्छा लग रहा है। इसको हम स्टिक करेंगे तो पता लगेगा क्या। आप फोन रखे ना अंदर तो नीचे से यहाँ से चार्ज पे भी लगा सकते हैं, तो इट्स गुड, मुझे बहुत अच्छा लगा। जरा से जो चीजें ऑर्डर करी मैं बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ एक तो, और दूसरा ईच का मैं बता रही हूँ कि 600 के अंदर अंदर की इनकी प्राइसेस है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी फातिमा हसीब, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आप लोग के लिए बहुत ज़बरदस्त सी वीडियो लाई हूँ। उसमें बेसिकली मैंने बहुत सारी शॉपिंग कर ली है दराज से और बहुत मज़े मज़े की चीज़ें ऑर्डर करी हैं। डेकोरेशन पीसेस बहुत अच्छे अच्छे हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाने वाली हूँ। बेसिकली ये मेरा दराज का फर्स्ट, वैसे ऑन एंड ऑफ हम मंगवाते रहते थे छोटी मोटी चीज़ें, लेकिन ह्यूज बल्क में मैंने फर्स्ट टाइम मंगवाई है, तो वो सब मैं आप लोग को दिखाऊंगी और आप लोग देखें कि कैसी चीज़। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको दिखाने वाली हूँ ये शेविंग मशीन है, और ये मैंने हसीब के लिए ऑर्डर करी थी क्योंकि हसीब की पहले वाली ख़राब हो गई थी और रीज़नेबल प्राइस में मिल रही थी, बहुत अच्छी है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है। अब ये हसीब इसका यूज़ बता सकते हैं कि कैसी है। तो पहली चीज़ हमने ये मंगवाई, और हाँ इसकी एक और चीज़ मैं बताऊँ, एक तो टॉप रेटेड थी, इसके व्यूज़ बहुत अच्छे थे, इस पर ड्रैगन स्टाइल बना हुआ है, बहुत ही स्टाइलिश सी लग रही है। यूज़ करके ऐसी बताएंगे, फिर मैं आपको इसका रिव्यू भी दे दूंगी, लेकिन ये बहुत अच्छी थी और लोग बहुत ज़्यादा मंगवा रहे थे इसलिए मैंने भी ऑर्डर कर दिया। सो फर्स्ट, सेकंड थिंग है हमारे पास ये, मैंने नल पे लगाने के लिए ये मंगवाया, शावर टाइप का है, सिंक, हाँ सिंक पे लगाने के लिए। ये मूवेबल भी है और जो ईजिली इसको लगा के ना पानी ओढ़ा होता था तो ये अच्छी चीज़ लगी। ये भी कॉपरेटेड काफ़ी जा रही थी तो मैंने इसको भी ऑर्डर कर दिया, और ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा है, इससे पानी नहीं उड़ता, इसको इससे फिक्स करते हैं। तो ये एक दूसरी चीज़ हो गई। और अब मेरे पास जो मौजूद है वो छोटी छोटी सी LED लाइट्स हैं और बहुत ही क्यूट हैं ये। ये रेनबो कलर में है, बेसिकली हम जब रूम में लगाते हैं, मैंने ट्राई करी, मुझे बहुत अच्छी लगी और मेरे सारे बच्चों को भी बहुत पसंद आई ये। तो ये कलरफुल सा पूरा वाइब देती हैं, पूरे रूम को कलरफुल कर देती हैं, ये बहुत अच्छी लगी, छोटी छोटी सी क्यूट है। और एक ये है, ये दिखने में बहुत छोटा है लेकिन ये एज अ नाइट बल्ब हम आराम से यूज़ कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा है। और ये हम लगाते हैं अपने चार्जर में लगा देते हैं तो ये इजीली जो है ऑन हो जाता है, बहुत अच्छा है। तो नाइट बल्ब के तौर पे हम इसको यूज़ कर रहे हैं, छोटा सा अच्छा है ये। नेक्स्ट हमने मंगवाया है, ये तो लॉक्स थे छोटे छोटे से, ये अलमीर की वजह से हमने मंगवाए क्योंकि अलमीर जो है सारी ड्रॉअर ओपन कर लेता है, तो ये मैंने ट्राई करे हैं और ये मैं अलमीर के लिए अब ड्रॉअर्स पे लगाऊंगी। सेकेंड थिंग इज, सेकेंड नहीं, अब मुझे गिनती नहीं यार, ये मैंने कारपेट के लिए, अपने कारपेट के लिए ब्रश मंगवाया है और अभी मैंने यूज़ नहीं किया, यूज़ करके देखेंगे फिर अब इनको खोलना पड़ेगा। और हाँ ये भी तो मंगवाया है हसीब ने, ये मंगवाए हैं और ये पता नहीं, ये एंकल पे लगाने के हैं, इससे कंफर्टेबल रहते होंगे मे बी, मैंने यूज़ नहीं किया इसका, मुझे कुछ आइडिया नहीं है। तो ये एंकल पे वेयर करके हम इसके अंदर शूज़ पहन सकते हैं फिर इसके ऊपर। सो नेक्स्ट अब हमें ओपन करना पड़ेगा, पहले ये ओपन करें हसीब। सो जी अब हम ओपन करते हैं नेक्स्ट पार्सल और उसमें देखते हैं क्या है, क्योंकि मैं भूल भी चुकी हूँ सेल में मंगवाए थे, अब हमें ऐसा कुछ याद है। लेकिन अच्छा ये पता है क्या है, ये है, ये हमने मंगवाया था वाइटनिंग का, मैं आपको ओपन करके इसका क्लोजअप दिखाती हूँ। ये रहा था बेसिकली टूथपेस्ट टाइप है, ये मैंने टीथ के लिए मंगवाया क्योंकि वो इंसान चॉकलेट्स वगैरह बहुत खाता है, उसकी टीथ की क्लीनिंग के लिए। दिस इज अ ऑर्बिट एंड वाइट चारकोल टूथपेस्ट, और ये देखें डेजलिंग वाइट, ये टीथ क्लीनिंग के लिए हैं। और अब देखते हैं, अभी हमने यूज़ कुछ भी नहीं करा है, अब हम देखेंगे कि इससे कैसे क्लीनिंग होती है। इसकी रिकमेंडेशन अच्छी थी टीथ वाइटनिंग के लिए, हाँ ये हसीब ने किया था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड था और इसके टॉप रेटिंग में भी था ये, तो हमने इसके इसको फिर मंगवाया जहान के लिए भी और अपने लिए भी। बेसिकली हमें यूज़ करना चाहिए चारकोल बेस्ड टूथपेस्ट, और एक ये था डेजलिंग वाइट, जब हम ट्राई करेंगे कैसे इसका कर लिया सी। सो नेक्स्ट अब हम जाते हैं, अब हम एक और बॉक्स खोल रहे हैं। अच्छा जी, जाहिर है अब हम लोग गैलन कैन जो होते हैं वो यूज करते हैं, उसके लिए पंप्स बहुत जरूरी होते हैं, ये बहुत ज्यादा रीजनेबल प्राइस में मिल रहा था, डिस्काउंटेड था, तो हम लोगों ने पंप्स मंगवाए, एक ही पंप मंगवाया है और अभी हमें देख रहा है ये, यहीं से देख रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा असेंबल करना वो पड़ेगा। तो ये पंप मंगवाया है, इसको भी हम करके देखेंगे कैसा है। सो बेसिकली अब जो मैं दिखाने लगी हूँ मेरे मोस्ट फेवरेट पार्सल्स हैं, और ये हैं वुडन वॉल
वुडन वॉल आर्ट्स हैं, मतलब ये फ्रेम्स भी हैं इसमें, वॉल क्लॉक्स भी हैं, ये हैंगिंग के लिए मैंने मंगवाया है, इसी तरह के बहुत सारे हैं। इनका इनका जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी थी, एक तो ये रीज़नेबल है, दूसरा ये कि बहुत लाइट वेटेड है, ऐसा कोई उठा उठा के भारी डेकोरेशन पीसेस उठा के लाओ लगाओ ये वो वाली चीज़ नहीं है, बहुत अच्छे से मुझे लगे हैं, हल्के हल्के से लेकिन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। तो ये तो मैंने मंगवाया था अपने की हैंगिंग का, इसमें आप फ़ोन रख सकते हैं, फैंस और एवरीथिंग आप डोर के पास लगा दें और फिर जो है ना आप इसको हैंगिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, चार्जिंग वगैरह भी। हाँ, और इसमें एक और चीज़ भी दी गई, आप फ़ोन रखे ना अंदर तो नीचे से यहाँ से चार्ज पे भी लगा सकते हैं, तो इट्स गुड, मुझे बहुत अच्छा लगा है। और मैं इन सब की पिक्चर्स साथ अटैच करूँगी और एक व्लॉग तो बनना ही है इनको स्टिक करते हुए, तो फिर वो आप देखिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, ये बहुत ज़बरदस्त है, मैं इसकी पिक्चर लगाऊंगी, ये हॉर्स बना हुआ है, ये दो फ्रेम्स हैं और इन पे ना पूरा हॉर्स आएगा, ये डिफरेंट अलग अलग लगेंगे और इन पे हॉर्स आएगा, और ये स्टिक वाले हैं सारे, तो ये भी बहुत अच्छा है, और ब्लैक से तो और ज़्यादा जान आ जाएगी दीवारों पर। अच्छा जी, ये वाला जो है ना ये किचन के लिए है, ये सारा असेंबल करके ना हम किचन में लगाएंगे, किचन की वॉल पे, और साथ साथ मैं इनकी ना पिक्चर्स स्टिक करती रहूँगी जो पूरा प्रॉपर जिसमें बना हुआ है, ये है। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास, बहुत अच्छे लग रहे हैं, मैं वेट कर लूँ लगाऊंगी कब मैं। अच्छा ये वाला जो ना ये थ्री फ्रेम्स है, बहुत अच्छे लग रहे हैं, अभी तो जगह ही सोच रहे हैं कि कहाँ लगाना है, तो ये इस तरह से, तो ये इस तरह का फ्रेम है पूरा और इस पर ट्री बना हुआ है, बहुत प्यारा क्यूट सा, बहुत अच्छा लग रहा है, इसको हम स्टिक करेंगे तो पता लगेगा कैसा है, लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। ये हो गया, इनको साइड पे रखती भी जाऊँ ना ख़राब ना। फिर नेक्स्ट हमारे पास है वॉल क्लॉक, और इस वॉल क्लॉक में अभी भी वही वाली, इसके कैसे मैं बताऊं, इसके अल्लाह मोहम्मद के फ्रेम को इस तरह से, ये देखें अल्लाह मोहम्मद के इस तरह के फ्रेम्स हैं, और छोटी छोटी से बर्ड्स दिए हुए हैं, और वो जब हम इस तरह से इसको जब लगाएंगे, ये सेंटर में आएगा, एक ये इस साइड आएगा और ये इस साइड ना, इसके तो ये आप देख सकते हैं कितना क्यूट, और इसके ऊपर सारे बर्ड्स आएंगे, फिर ये वॉल क्लॉक जब लगेगी तो बहुत ज़्यादा हसीन लगने वाली है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं असेंबल करने के लिए, तो ये देखें बहुत कुछ है, तो जब ये स्टिक होगा तो ही आपको समझ आएगा, क्योंकि अब ये बहुत ज़्यादा पीसेस में है, लेकिन बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं। एक ये हो गई, उसको हमें पूरा बैठ के स्टिक करके इसको पूरा जोड़ना पड़ेगा, उसके बाद जाके इसकी लुक आनी है, तो ये लगा हुआ वॉल क्लॉक। अच्छा जी, फिर उसके बाद हमारे पास है बहुत सारे फ्रेम, हाँ ये वाला माशाल्लाह देखो अच्छा, ये सीधे पकड़ेगा ना इसी में, ये ऊपर ही आएंगे, ऊपर नीचे आएंगे इसी, हाँ मतलब यूं तो नहीं है, यूं है ना, नहीं हाँ सीधे आएंगे। एक ये फ्रेम है और माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है, एक पे लिखा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह सुभानअल्लाह और अल्लाहु अकबर, और इसकी सेटिंग जो है ना वो वॉल पे आएगी इस तरह से, मतलब तीनों वन बाय वन करके आएंगे, और बहुत ही प्यारा लग रहा है माशाल्लाह, ये भी स्टिक होंगे, और इनकी इसकी पिक्चर भी मैं सब फ्रेम्स की पिक्चर मैं साइड पे लगाऊंगी, ताकि आपको समझ आए कि इसकी सेटिंग कैसी है। तो ये हो गया। तो जी नेक्स्ट हमारे पास है अगेन वॉल क्लॉक, असीब ये मैं हसीब से पूछूँ क्योंकि हसीब ने फाइनल करके ऑर्डर किए थे ना, इसलिए मुझे ज़्यादा अंदाजा नहीं होगा, ये बहुत प्यारी वो ये वो वाली ना होम स्वीट होम, ये वो वाली वॉल क्लॉक है जिसपे पूरा लिखा होगा स्वीट होम और वर्ड्स लगे हुए साइड पे, सेंटर में ये आएगा, और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही हूँ, वेट कर रही हूँ कि कब हम इन सबको स्टिक करें, और ये बहुत सारी चीज़ें हैं छोटी छोटी, मैं आपको दिखाता हूँ, लव मेमोरीज, ये अच्छा वर्ड्स भी दिए हैं इन्होंने ना छोटे छोटे से, फॉरएवर इस तरह से, और जब बैकग्राउंड आपका वाइट इस तरह का हो ना ऑफ वाइट, तो उस पर ब्लैक कलर ही अच्छा लगता है, कलरफुल भी थे लेकिन मुझे ब्लैक अच्छे लग रहे हैं, और स्वीट और बहुत सारी चीज़ें छोटी छोटी, तो ये जब हम ये देखो स्वीट बड़ा वाला होगा सीरीज में,
तो खैर ये हम जब स्टिक करेंगे तब आपको दिखाएंगे, ये बहुत प्यारा लग रहा है। बहुत सारी चीज़ें इसमें, इसको असेंबल करना थोड़ा मुश्किल भी होगा, लेकिन हम लोग करके फिर दिखाएंगे। चलिए ये हो गया, इनको ऐसे भी रखना पड़ेगा ताकि ये खराब ना। अच्छा जी, अब एक और है हमारे पास। अच्छा जी, एक और वॉल क्लॉक, क्योंकि हमारे पास ज़ाहिर स्पेस बहुत ज़्यादा है और हर अलग अलग जगह पे, ये सिर्फ वॉल क्लॉक नहीं है, पूरा एक डेकोरेशन पीस है। मतलब इसके साथ जो, पता है आपको क्या है इसके साथ, है लीफ। ये पूरा लीफ रेडी होगा, ये पूरा अभी दिखाऊंगी तो फिर ज़ाहिर पता नहीं लगेगा, तो ये लीफ होगा पूरा बनेगा। और इसके साथ कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि आई नेवर ड्रीम, ये देखें। तो ये लीफ के साथ वॉल क्लॉक ये वाली आएगी और सारे वर्ड्स स्टिक होंगे, तो ये डायरेक्ट जब स्टिक होगा तभी आपको समझ आएगा, ऐसे तो नहीं आएगा। ये देखें हाफ पीस ये रहा, बहुत ज़बरदस्त। ओ अच्छा 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 समझ आ गया, ये थोड़ी सी असेंबल करके मैं आपको दिखा देती हूँ। ये इस तरह से लीफ बनेगा और साइड्स पे उसके वो जितने एक्स्ट्रा चीज़ें वो सब आएंगे। तो ये भी देखते हैं कैसे स्टिक होती है। ये सब चीज़ों का फाइनल लुक देखने के लिए आपको लाजमी मेरा दूसरा व्लॉग देखना पड़ेगा, जिसमें मैं ये सब स्टिक करूँगी, अपने वॉल्स पे लगाऊंगी, हैंग करूँगी, ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ आए। और दराज की जो ये रीजनेबल प्राइस में आप अपना घर डेकोरेट कर सकते हैं, वो सब का आइडिया होगा। और जो सेल लगा करें दराज में, वो हमें एक्चुअली अवेल करनी चाहिए, क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, रीजनेबल प्राइस में पूरा घर डेकोरेट हो रहा है आपका, तो इससे अच्छी और क्या बात है। सो अब एक और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक और चीज क्या है हमारे पास भाई। हाँ जी, वाओ, ये तो फुल पिक्चर में बहुत प्यारा लग रहा था, ये वाला सिर्फ ये देखो स्पैरो। सो जी, ये जो है पूरा ट्री है, इस तरह से पूरा ट्री जुड़ेगा और ये ऊपर ये भी आ रहा है, और आप देख सकते हैं स्पैरोस बैठे हुए, इनको हम फिक्स करेंगे तो इसकी लुक बहुत ज़बरदस्त आने वाली है। और ये सारी चीज़ें हमें असेंबल करके, स्टिक करके, अपना घर डेकोरेट करके फिर दिखाना पड़ेगा। सो जी, यहाँ पे फाइनल होते हैं मेरे सारे पार्सल्स, और कुछ एक दो चीज़ें और भी थी जो मैंने यूज़ कर ली, जैसे कि ग्लव्स भी थे बहुत रीजनेबल प्राइस में, हर चीज़ मिल रही थी। एक और शावर का था, सिंक पे लगाने वाला वो था, और बच्चों के लिए टूथपेस्ट, टूथब्रश वगैरह थे, तो वो तो चीज़ इस्तेमाल में आ गई। लेकिन मैंने दराज से जो चीज़ें ऑर्डर करी, मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हुई हूँ एक तो, और दूसरा ईच का मैं बता रही हूँ कि 600 के अंदर अंदर की इनकी प्राइजेज हैं, और बहुत ज़्यादा रीजनेबल और बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसको जब हम स्टिक करेंगे और जब ये डेकोरेट हो जाएगा वॉल पे, फिर आपको इसकी लुक नज़र आएगी और आपको पता लगेगा कि सस्ते में एक अच्छी डेकोरेशन कैसे हो सकती है। सो आई एम सो एक्साइटेड। लेकिन अगर दराज से आप ऑर्डर करेंगे तो ये आपको 700 या 600 ईच ऐसे कुछ पड़ेगा, लेकिन अगर प्राइवेट आप किसी स्टोर से बाय करेंगे तो ये आपको 1200-1300 से कम का नहीं मिलेगा। क्योंकि हमने बहुत डेकोरेशन पीसेस हमने बहुत जगह सर्च किए, जैसे कि ऑनलाइन पेजेस होते हैं फेसबुक पे, इंस्टा पे, तो वहाँ बहुत एक्सपेंसिव आ रहे थे, और फिर प्लस उनके डिलीवरी चार्जेस, तो ये दराज में हमें ईजिली मिल गए और बहुत अच्छे। मैं इन सबको पिक्चर्स के साथ अपने ब्लॉग में भी डालूंगी और इंस्टाग्राम पे भी लगा दूंगी, तो आप लोग आराम से अवेल कर सकते हैं, ले सकते हैं, कहीं ऑर्डर कर सकते हैं दराज से। सो बेस्ट ऑफ लक टू मी जब मैं ये डेकोरेट कर रही हूँगी, और अगर आप लोग बाय करेंगे तो आप लोग को भी। सो आज के लिए इतना ही, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आगे के व्लॉग्स देखना ना भूलिएगा, क्योंकि बहुत मज़ेदार व्लॉग्स आने वाले हैं। थैंक यू, बाय बाय।